6 पढ़ा था हमने कि किसी भी ट्रायंगल में उससे वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो इस ट्रायंगल पर तीन सिमिलर ट्रायंगल पर करेगा। एक तो ये दोनों आपस में और एक ओवरऑल तीनों आपस में क्या होंगे सिमिलर। पढ़ा था ना पिछली बार। इन द सेम वे देयर इज दिस इज द रिजल्ट ऑफ द सेम प्लूरल। व्हाट इज दिस? व्हाट दिस स्टेट्स? दिस स्टेट्स बेसिकली इफ टू ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द एल्टीट्यूड ऑन करस्पॉन्डिंग साइड। इक्वी एंगुलर यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है। व्हाट इज दिस इक्वी एंगुलर? इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल। ऐसे ट्रायंगल जिनके सारे इक्वल क्या हो, सारे एंगल्स क्या हो इक्वल। सो इक्वी एंगुलर देन द एल्टीट्यूड ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड अमीर स्टैंड अप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? हाँ? क्या है सर एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? तो बहुत बेसिक सी बात है, 6-7 एल्टीट्यूड। हाँ बस सिंपल सी बात है, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे जब हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो सामने वाले साइड को कितने डिग्री पे मिले तो वो उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। अच्छा एल्टीट्यूड सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है कि नहीं? हाँ बाइसेक्ट करेगा। हाँ एल्टीट्यूड किसी सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? हाँ टच तो करेगा ही यार, वो तो तभी तो एल्टीट्यूड होगा। बाइसेक्ट करेगा कि नहीं ये बताओ? तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ फिर? बाइसेक्ट का मतलब यही होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। आप बताइए कोई एल्टीट्यूड किसी भी साइड को बाइसेक्ट करता है या नहीं करता है? यस जिस करस्पॉन्डिंग साइड पे वो आता है। गधों की फौज है फिडा, किसी का आंसर सही नहीं है। मे और मे नॉट बी मे और मे नॉट बी करे, कर भी सकता है नहीं भी करेगा, बट करेगा ही दिस इज नॉट राइट। एल्टीट्यूड से सिर्फ मतलब है कि मैं 90 डिग्री गिरूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं बाइसेक्ट कर रहा हूं कि ट्राइसेक्ट कर रहा हूं। जैसे एक ट्रायंगल ऐसे समझो, अब इस पे एल्टीट्यूड इस पे डालना है तो ये यहां से ऐसे बढ़ा करके फिर हमको डालना पड़ेगा। अगर एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, जैसे मान लिया मुझे ऐसे है कोई ट्रायंगल, अब इसका एल्टीट्यूड कहां जाएगा? इस पॉइंट से अगर इसको एल्टीट्यूड डालना है तो अंदर में तो 90 बनेगा ही, 90 बनाने के लिए इसको कहीं ना कहीं यहां आना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। कहां बाइसेक्ट किया? एक तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो बाइसेक्ट या करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं स्टेट कर सकते। वी कैन ओनली स्टेट दैट एल्टीट्यूड विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द करस्पॉन्डिंग साइड। बस एल्टीट्यूड का मतलब कि मैं यहां से ड्रॉप किया तो वो सामने वाले साइड के 90 डिग्री पे मिलेगा, बस इतना मुझे मालूम है। अब मान लिया कोई ऐसे लाइन हो तो ये देखो 90 डिग्री पे यहां यहां बस समझ आ रहा है, ये बाइसेक तो किया नहीं। सो हम ये नहीं कह सकते कि वो बाइसेक करेगा या नहीं करेगा। अब यही एल्टीट्यूड की जगह पे अगर मीडियन होता तो मीडियन के बारे में क्या बता सकते हैं? बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? वर्टेक्स के अपोजिट जो भी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के अपोजिट पे हम अपोजिट वाले साइड पे अगर मीडियन ड्रॉ करें तो वो अपोजिट वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हो भी सकता है नहीं भी
साइड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है. सो बट वी कैन श्योरली स्टेट दैट द मीडियन विल डिवाइड द करस्पॉन्डिंग या अपोजिट साइड इन द सेम रेशियो या इन इन टू पार्ट्स. ये तो ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी की, भाई मैं ये काम करता हूं. अब उसके साथ अदर बेनिफिट्स हो जाए अलग बात है, लेकिन ये तो पक्का मैं करूंगा. मैं अगर मीडियन हूं तो मैं सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा ही करूंगा. बात समझा नहीं? वैसे ही अगर मैं एल्टीट्यूड हूं तो सामने वाले साइड को मैं 90 डिग्री पे ही जाके टच करूंगा. अब वो टच करने की वजह से साइड दो पार्ट में बन जा रही है, थ्री पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, या कोई भी अनइक्वल पार्ट में, ये मैं नहीं जानता. वो डिपेंड करेगा कैसा ट्रायंगल मैं मिलता है. ये सब बेसिक चीजें जो आपको जाननी चाहिए. तो ये ऐसा हो सकता है कि लग रहा हो कि आधे आधे डिवाइड करा, बट दिमागी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई ये कहीं ना कहीं दिस इज एल्टीट्यूड. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये कि 90 डिग्री पे मिलता है सामने वाले से. तो मान लिया यहाँ पे इन्होंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एक हो गया AF और एक हो गया CG. अब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल इक्विएंगुलर है, सो इक्विएंगुलर का मतलब हो गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, एंगल E इक्वल्स टू एंगल सॉरी एंगल यहां पे H कर C, ठीक है. यानी ये जो है वो इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वी एंगल. पहली बात तो ये हो गई. और जैसे ही ये हुआ इसके कौन सी सिमिलरिटी लगेगी? ट्रिपल A सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है. अच्छा दूसरी बात कह रहा है देन द एल्टीट्यूड ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड. एल्टीट्यूड A से BC पे जो एल्टीट्यूड आया, तो एल्टीट्यूड यहां पे क्या है? एल्टीट्यूड ये है AF, और यहां पे एल्टीट्यूड क्या है? ये है HG. तो एल्टीट्यूड ऑन द करस्पॉन्डिंग, मेक द करस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड. मतलब ये जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, जैसे कहना ये चाह रहा है कि BC/DE जो होगा वो BC का जो एल्टीट्यूड होगा AF डिवाइडेड बाई HG का, इसका DE का जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या होगा? HG. ये कह रहा है टू प्रूव, ये बता रहा है भाई BC/DE करस्पॉन्डिंग साइड जहां एल्टीट्यूड गिर रहा है, जहां एल्टीट्यूड गिर रहा है, इस पे एल्टीट्यूड किस पे गिर रहा है? BC पे. इस पे एल्टीट्यूड किस पे गिर रहा है? DE पे. तो करस्पॉन्डिंग साइड जिस पे एल्टीट्यूड गिर रहा है वो करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में. तो BC/DE इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के. तो BC का एल्टीट्यूड कौन है? AF. और DE का एल्टीट्यूड? यही ये कह रहा है पूरा क्वेश्चन. अब इसको कैसे लगाएंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रूव करना है. मान लिया तो देखो, अगर हम दोनों ट्रायंगल लें, ट्रायंगल ABC, तो बिकॉज इट इज इक्विएंगुलर हेंस इट इज HDE. ये सिमिलर ही होंगे. अच्छा सिमिलर अगर होंगे सो वी कैन राइट बाय सिमिलरिटी थ्योरम. हम ये तो जान ही सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे. करस्पॉन्डिंग साइड विल बी इन द सेम रेशियो. करस्पॉन्डिंग साइड किसमें होंगे? सेम रेशियो में. तो अगर करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट AB/AB, मतलब इस तरफ वाला साइड बाय इसका इस तरफ वाला कौन सा होगा? HD इक्वल्स टू इसका बेस BC/DE हो जाएगा. अच्छा अगर हम और देखें तो फ्रॉम ट्रायंगल AFB एंड ट्रायंगल HGD, फ्रॉम ट्रायंगल AFB एंड ट्रायंगल HGD, इसमें देखो एंगल B जो होगा वो किसके बराबर है? एंगल D के, है ना. एंगल AFB जो है, AFB ये वाला एंगल, ये बराबर किसके है? एंगल HGD
Why? Because it is 90 degree यानी altitude. ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अच्छा, दो एंगल बराबर हो गए तो थर्ड वाला भी अपने आप क्या हो जाएगा? इक्वल. यहाँ पे कौन सी सिंगुलरिटी लग जाएगी? एंगल एंगल सिंगुलरिटी. सो फ्रॉम, ऐसे लिखना पड़ेगा, ए ए सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल ए एफ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच डी. और जैसे ही सिमिलर हुआ, इनके साइड को हम किस रेशियो में कह सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड को सेम रेशियो में कह सकते हैं. सो वी कैन ऑल्सो से कि भाई ए बी, ए बी इस 90 डिग्री के सामने वाला करस्पॉन्डिंग है एल्टीट्यूड, तो इसके भी नाम सामने वाला क्या? एच बी. दिस विल बी इक्वल टू, अब यहां ध्यान देना, मैं चाहूं तो बी एफ अपॉन डी जी लिख सकता हूं, लेकिन मुझे काम किससे है? मुझे निकालना क्या है? एल्टीट्यूड के रेशियो. तो इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मिल रहा है क्या? ए एफ बाई, चाहता तो वो भी लिख सकते हो, बी एफ अपॉन डी जी लिख सकते, बट हमारा वो किसी काम का नहीं, हमको तो एल्टीट्यूड बराबर दिखाना था. तो आप एक नया थ्योरम बना सकते हो कि जिस रेशियो में डिवाइड करता है, जहां पर डिवाइड करता है, वो जितने भी पार्ट में इसको बनाएगा उसका भी रेशियो सेम आएगा. कहने का मतलब बी एफ अपॉन डी जी भी इक्वल होगा किसके? एल्टीट्यूड के. ये भी एक नया थ्योरम बन सकता है ना, कि जहां पर डिवाइड करता है उतने पोर्शन का रेशियो, उतने पोर्शन का रेशियो एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर होगा. एक नया थ्योरम बन जाएगा. बट यहां हमें जो, हियर वी हैव टू टॉक अबाउट द एल्टीट्यूड्स रेशियो. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू इज AB by HB equal to AF by HD. This is equation number 2. So from 1 and 2 we can write, from 1 and 2 AB by HD, AB है, AB by HD, AB. तो हम ये कह सकते हैं BC by DE बराबर क्या होगा? तो BC by DE equals to AF upon HD. समझ में तो आ गया होगा? मैं एक बार फिर से गो थ्रू होता हूं. तो हम ये कह रहा था, स्टेटमेंट ये कह रहा था कि अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, उन दोनों ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड आप ड्रॉ करोगे किसी भी वर्टेक्स, यहां ध्यान देना, मैंने भले ही वर्टेक्स ऊपर वाले से ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं आप वर्टेक्स ये इसको ना मांगे, इस वर्टेक्स से भी ड्रॉ करो अगर 90 डिग्री. तो हमारी बात, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मान लिया ऐसे करो, मैं इससे इस पर ड्रॉ कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ए बी सी, इसको लिख रहा हूं डी ई एफ, इसको लिख रहा हूं जी, इसको लिख रहा हूं एच. तो ये कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड आप ड्रॉ कर रहे हो करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर, तो एल्टीट्यूड का रेशियो, जैसे इसका बी जी और इसका ले लो एफ एच, तो ये बराबर होगा AC by DE. मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जहां एल्टीट्यूड मिल रहा है, ऐसा नहीं जरूरी हमेशा हम इसी साइड को लिखेंगे, नो, ये एल्टीट्यूड जिस वाले साइड में मिलेगा हम उसी की बात करेंगे, यहां AC यहां पे DE. बात समझ आ गई? तो कह रहा है कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा अगर किसी वर्टेक्स से, तो सामने वाले यानी बेस यानी अपोजिट साइड जो होगा उस साइड का रेशियो, जो सेकेंड वाले ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो will be equal to the corresponding altitude. Corresponding side ratio must be equal to the corresponding altitude. Corresponding मतलब सापेक्ष. इसके लिए ये और इसके लिए ये. यानी इसका और इसका रेशियो लेंगे तो इसके और इसके रेशियो के इक्वल आएगा. सिंपल सी बात, जैसे मान लिया मैंने इसकी वैल्यू दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू नहीं बताई, इसकी वैल्यू दे दी आपको 20 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू 4. समझ आई बात? तो आप ये कह सकते हो कि सर What is the value of x? बस इतना अलग क्वेश्चन है. तो हम जानते हैं 10 by 20, 1 by 2, तो x by 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. क्यों? क्योंकि इसका इसका रेशियो सेम होता है, 10 by 20 equal to x by 4. ये हो जाएगा 1 by 2, 2 to the 4, x equal to 2. यहाँ बना दे 2. समझ में आ रहा? तो ये पूरा थ्योरम का नोट कर लो तुरंत.
नाउ अब अगर इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज करें तो एक और नया हमको रिजल्ट मिलता है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, एटीट्यूड अगर किसी भी दो ट्रायंगल अगर वो ट्रायंगल आपस में इक्वी एंगुलर यानी सिमिलर है तो उनके एटीट्यूड का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। यही सेकेंड रिजल्ट कहता है, इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन द मीडियंस, अब मीडियन की बात कर रहा है, मीडियन ऑन द करस्पॉन्डिंग साइड मेक द करस्पॉन्डिंग साइड इन सेम रेशियो एज ऑफ मीडियन, इसके इक्वल मतलब मीडियम का जो रेशियो होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, जो रेशियो मीडियम का होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड का होगा। अब वही बात आ गई, क्या मीडियम 90 डिग्री या किसी डिग्री पे कट करेगा? अरे किसी डिग्री पे तो कट करेगा ही, बट एग्जैक्टली 90 डिग्री पे करेगा इसके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, वो सिर्फ कौन करता है? एटीट्यूड। इफ देयर इज अ मीडियम एडी, देयर इज अ मीडियम टीएस। अब ये कह रहा है कि एडी बाई जो पीएस होगा वो बीसी बाई क्यूआर के इक्वल। सो टू प्रूव एडी बाई बीसी या बीसी बाय क्यू आर इक्वल्स टू एडी बाय, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियंस के इक्वल। ठीक है, नाउ सी, अब थोड़ा सा इससे और पहले की बात कर लेते हैं। सिमिलरिटी आपने पढ़ा होगा, तो एक सिमिलरिटी होता है ऐसे जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऐसे सिमिलरिटी साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, उनमें कोई एक एंगल और उनका इंक्लूडिंग साइड का रेशियो, यहीं पे ध्यान देना है, कॉन्ग्रुएंसी में होता था कि कोई दो दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर, यानी अगर ये 3 है ये 2 है तो ये 2 और ये 3 हो, या 3 हो या 2 हो, मतलब ये साइड भी उसी के इक्विवेलेंट हो जो इधर है और उनके बीच का एंगल 60 है तो यहां पे भी 60। ये होता था कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी कहता है कि इनके बीच का एंगल इक्वल हो लेकिन साइड जिसको ये इंक्लूड करते हो उस एंगल, वो एंगल जिन दो साइड के बीच में बना हुआ हो, एंगल हमेशा दो साइड के मिलने से ही तो बनेगा दो लाइन के, तो कह रहा है कि अगर इनके बीच में इंक्लूडिंग जो साइड है उस साइड का रेशियो सेम हो, जैसे अगर ये 4:8 है तो ये 2 और 4 हो, और समझा रहा है कैसे 4:2 = 8, 1/2 और यहां 1/2, रेशियो अगर भी सेम होगा तब ये क्या कहलाएगा? SAS सिमिलरिटी, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे, अभी हम ध्यान से देखें। सो अगर हम पहले देखें, फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल TQR, तो जो इक्वी एंगुलर, इसने क्या बोला, कैसा है इक्वी एंगुलर? इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू और एंगल सी जो है एंगल आर। ठीक है, और इक्वी एंगुलर है इसलिए क्या है, ये दोनों सिमिलर है। सो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अच्छा, अगर सिमिलर है तो सिमिलरिटी का हम इसमें रूल अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या कहता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, वी कैन राइट एबी बाय पीक्यू इक्वल टू बीसी बाय क्यूआर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम एसी बाय पीआर नहीं ले रहे हैं? ये भी तो सही है, क्योंकि उसका हमें कोई यूज लेना गलत नहीं है। आप यहां लिख सकते इक्वल टू एसी बाय पीआर, एकदम सही, कोई गलत नहीं काट सकता। इवन आप यहां एक लाइन और बढ़ा के लिखना चाहो, सो यू कैन राइट एसी बाय पीआर, वेरी नाइस, इट मींस दैट यू नो दिस।
you know the value of similarity, you know the formula of similarity. That's why you have written this. But it doesn't mean anything, because we have to just need of these both side ratio. Because in proving, we have to prove it that BC by QR is equal to AD by BS. So BC by QR we have got it. Now we have to play with AD by PQ. अभी हमको इससे खेलना है, ठीक है? कैसे खेलेंगे? Let's see. So this is your equation number one. Now taking these another two triangles ADB from triangle ADB and बोलते जाओ ट्रायंगल कौन सा है इसमें PSQ है ना. चलो अब बताओ कौन कौन सी चीजें इक्वल है. एंगल ABD इज कॉमन एंड एंगल PQ. चलो एक एंगल मिल गया. क्या इसका रेशियो, ध्यान से देखना, बिकॉज यहां पे एक चीज और बहुत जरूरी है देखना. ये जो BC by QR है, BC by QR, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2BD अपॉन 2QS? Yes. बिकॉज AD इज मीडियन एंड PS इज मीडियन. ध्यान से सोचना, ऐसे यस सर मैं बोलो. BC को 2BD लिख सकता हूं क्या? हाँ, सब लोग के समझ आ रहा है ना? क्यों आशुतोष तुम्हारा चेहरा कुछ डाउन लग रहा है? ये BC को 2BD लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों लिख सकता हूं? हाँ, बिकॉज मीडियन ने दोनों को इक्वल कर दिया. ये 10 था तो ये 5 और ये 5 कर दिया. तो इस मीडियन के वजह से अगर मैं देखूं तो मैं पूरे BC को 2 into BD कर सकता हूं, क्योंकि ये इक्वल होते हैं. मीडियन ने इन दोनों को इक्वल कर दिया ना. 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC by QR का जो रेशियो होगा वही BD by QS का रेशियो होगा. वही किसका रेशियो होगा? BD by QS का रेशियो होगा. तो अगर BD by QS जो है, यहां से हम इसको यूज कर लें, BD by QS का रेशियो सेम होगा AB by QP के या PQ के, है ना? तो BC by QR क्या है? BC by QR वही तो है AB by PQ. समझ आ रहा है ना? तो अगर ये इसके बराबर होगा, BD by QS AB by PQ के बराबर होगा इनका रेशियो, तो मैंने अभी अभी बात किया था रेशियो सेम होगा. रेशियो सेम हो और उनके बीच के एंगल अगर इक्वल हो, तो उनके बीच का एंगल इधर क्यू इधर भी इक्वल है, और इसका और इसका, इसका और इसका रेशियो सेम है. ये रेशियो भी बता रहा है. तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? किस सिमिलरिटी से? ऐसे ऐसे. सो वी कैन राइट हेंस ट्रायंगल ADB, सारा कहानी है सिमिलर टू करने का. इस सिमिलर टू ट्रायंगल PS क्यों, यहां तक सबको समझ आ गया? अच्छा, जैसे ही सिमिलर हुए आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? AB by क्या लिख सकते हैं? AB by PQ इज इक्वल टू AD by PS इज इक्वल टू BD by, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो AB by PQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? AD by PS लिख सकते हैं. भाई AB by PQ ये देखो ना, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? From equation 2 we can write AB by PQ equals to AD by PS. AB by PQ equal to AD by PS. तो अगर हम इसको equation number 1 में put कर दें, putting equation number 1 by AB by PQ, AB by PQ के जगह पे क्या लिख सकते हैं? BC by QR, BC by QR equal to AD by BC by QR equal to AD by PS. यही प्रूफ करना था. समझ में आ गया? हैं? सबको समझ में आ गया? किसी को पूछना हो कोई क्वेश्चन इसमें?
या कोई स्टेप जहां पे नहीं समझ आया है? चलो एक होमवर्क है, अब की बार वाले में क्या करना है, हमने एल्टीट्यूड देख लिया, मीडियन देख लिया, दो ट्रायंगल के एल्टीट्यूड उनके करस्पॉन्डिंग साइड या बेस के रेशियो में होते हैं, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग मीडियंस उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल बाइसेक्टर्स आप लोग ये करके लाएंगे, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन का वही रेशियो होगा जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा, मतलब अगर ये एंगल बाइसेक्टर हो तो एडी बाई बी सी इक्वल टू पी एस बाई क्यू आर, इस बार एंगल बाइसेक्टर है, बात समझ में आ रहा है ना, तो एंगल बाइसेक्टर होगा तो बताओ कैसे हो? सारी कहानी है सिमिलर प्रूव करने, पहले दोनों को सिमिलर तो है ही, इक्वी एंगुलर है तो ये तो प्रूव हो जाएगा, ये वाली लाइन तो सब में यूज होगी, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है भाई, बी सी बाई क्यू आर को एडी अपॉन पी एस प्रूव करना है, लेकिन इस बार ये क्या है, इक्वल एंगल बाई सेक्टर है ना, तो ये एंगल सेम है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये एंगल जो कि पूरा और ये एंगल पूरा, ये भी तो सेम था, और ये एंगल बाई सेक्टर है तो ये भी तो बराबर होगा है, और दो एंगल बराबर हो गए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी आ गई, जैसे ही सिमिलरिटी आ गई फिर वही लिख सकते हो। तो आपके तीन रिजल्ट है, तीसरा वाला आपको खुद से करना है, ठीक है, तीसरा वाला रिजल्ट आपको खुद से करना है, और उसके बाद आप एक्सरसाइज इसका एक्सरसाइज 5.3 का 5.3 की 20 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, 21 अच्छा 24 है, ठीक है 24 लगा, 5.3 का 24 क्वेश्चन, ठीक है, हाँ हो जाएगा, बहुत अच्छा, जिससे नहीं हुआ है वो लोग लगा लो, और जिससे हुआ है उसको एक बार और रिवाइज कर लो, ठीक है, इसमें बेसिक यही चीजें यूज होनी है, और एक और थ्योरम बचेगा उसको हम कल कर लेंगे, रेशियो ऑफ द एरियाज आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, ठीक है, बहुत आसान सा है वो, अगर कहीं इस्तेमाल होगा तो क्वेश्चन रहने देना, वो हम करा देंगे, बट दीज थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, फटाक से रिकैप करते हैं, बेसिकली अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है या इक्वी एंगुलर है तो उनके एटीट्यूड्स का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अगर जो दो ट्रायंगल है इक्वी एंगुलर है या सिमिलर है तो उनके मीडियंस का जो रेशियो होगा वही करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा, रेशियो बार बार कह रहा हूं ना कि इक्वल होगा, है ना, उनका रेशियो इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होना और साइड का इक्वल होना दोनों अलग है ना, रेशियो मतलब अगर एक 1/2 होगा तो दूसरा 10/20 भी हो सकता है, मतलब 1/2 इधर है तो उधर भी 1/2 ही है, है ना। अच्छा तीसरा क्या पढ़ा, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो या जो उनके एंगल बाइसेक्टर का रेशियो जो होगा वो भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द टूडे, और कल हम लोग फिर पढ़ेंगे एक्सरसाइज पूरा, सब लोग करके आइए, ठीक है।